ऐसा एक भी वचन नहीं जो तुम्हारे नुकसान के लिए लिखा हो। पहले यह बात समझनी, बाइबल कहती है ये वचन तुम्हें चंगा करने के लिए लिखे गए। प्रेरितों के काम के टाइम कलीसिया, बाइबल कहती है, अपनी अपनी प्रॉपर्टी बेचकर कलीसिया प्रेरितों के पैरों में रखती थी और वो चर्च के काम होते थे। अब ध्यान से समझना, ये चर्च में आया, इसने वचन को कबूल किया, अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, मुझे दे दी, खुद बैठ गया। फिर ये आया, इसने बेच दी, इसकी शादी हो मैंने करवा दी, चर्च बना दिया, साउंड ले लिया। अच्छा, अब क्या ये सब कंगाल होते गए क्या, क्योंकि अपनी अपनी प्रॉपर्टी बेच दी? तो अगर चर्च में 10,000 कंगाल बैठे होंगे तो प्रभु का काम कहां से चलेगा? यीशु मसीह ने कहा, तुम में से ऐसा एक भी नहीं जिसने मेरे लिए अपना घर, माता पिता, खेत, प्रॉपर्टी छोड़ दियो और मैं उसको 100 गुना वापिस ना करूं। बाइबल बताती है जिस दिन पतरस ने प्रचार किया उस दिन 3,000 लोगों ने बपतिस्मा लिया और वो गिनती हजारों में बढ़ती गई। अगर वो सभी कंगाल होते गए तो खर्चा कहां से चला? अगर इसने एक प्लॉट दिया, प्रभु ने इसको 2 वापिस किए। अगर इसने 2 दिए, इसको 4 मिले। हुआ क्या, चर्च आशीषित होती गई और प्रभु का काम बढ़ता गया। क्योंकि जब प्रभु का काम वहां लिखा बढ़ता गया, इसका मतलब पैसा भी बढ़ता गया ताकि प्रभु के कामों में कोई विघ्न ना हो। तो ऐसा एक भी हुक्म नहीं जो तुम्हारे नुकसान के लिए लिखा हो। अगर परमेश्वर ने कहा धन्य कहना मुझे, हां सुनने को तो बड़ा अच्छा लगता है, क्या बच्चा मर जाए तो उसको धन्य कहोगे? बड़ी कठोर बात है। अय्यूब की तरह अगर आज बिजनेस खत्म हो जाए तो कल क्या अगले इस संडे मीटिंग में आओगे? अगर आज घर जाके मालूम हो कि वाइफ छोड़ के चली गई बच्चों समेत, क्या इस संडे मीटिंग में आओगे? मैं पूछ रहा हूं। यस कहना, यस करना उतना ही फर्क है जितना शैतान और परमेश्वर में। रूथ कैसे बचाई गई? पिता को धन्य कह के। धन्य कहने के लिए कारण तो कोई नहीं था, पति नहीं था, ससुर नहीं था, पैसा नहीं था, यह नहीं था पति नहीं है तो बहुत पैसा है, या ससुर जिंदा है कोई बात नहीं, खाने पीने की कमी नहीं है, लेकिन कुछ भी नहीं है था। फिर भी उसने क्या कहा, मैं वापिस चली जाऊंगी पर यहोवा को धन्य कैसे कहूंगी, मैं यहीं रहूंगी। सिर्फ यहोवा को धन्य कहने के लिए। बाइबल कहती परमेश्वर कुछ भी आपके नुकसान के लिए नहीं कहता। अगर उसने आपको धन्य कहने के लिए बोला आपकी मुश्किल परिस्थितियों में, तो इसका मतलब वो उसको आपके फायदे और आपकी गवाही में बदल देगा अगर आप वचन पे चलना छोड़ेंगे नहीं। वो मूर्ख नहीं है, उसने आपको बुद्धि दी है। जो वैज्ञानिक आज मार्स, मंगल पे, चंद्रमा पे पहुंच गए, उनको बुद्धि देने वाला कौन है? परमेश्वर। उसने जो आज कंप्यूटर जब बना था ना, तो जितना ये टेंट लगा, इतना बड़ा स्टेज, इतनी बड़ी हार्ड डिस्क थी, जो आज आपके जेब में जो माइक्रो कार्ड है ना, उसमें ज्यादा स्टोरेज है जो पहली हार्ड डिस्क बनी थी। वो इंसान जो इसकी बुद्धि बढ़ती जा रही है, परमेश्वर कहता मेरे सामने तुम मूर्ख हो, ये मैंने बनाई है बुद्धि। जो कंप्यूटर आज हमने बनाए, हमारी बुद्धि ने बनाए, सोचो जिस बुद्धि को परमेश्वर ने बनाया, वो तुम्हें फालतू में नहीं कहेगा मेरा धन्यवाद कर, या मेरी वर्शिप कर, या मेरा थैंक्स कर, या व्यभिचार छोड़ दे, या नशा छोड़ दे। आपको बोरिंग करने के लिए नहीं, आपको कुछ देने के लिए, कुछ बिल्ड करने के लिए। वो आप में वो देखता है जो आप नहीं देख सकते। आप अपने आप में वो निकाल सकते हैं अपने आप से जो परमेश्वर जिस तरह देखता है वचन पे चल के। आमीन। आप कमजोर नजर आते हैं, परमेश्वर कहता नहीं तू दबोर है, तू गिदौन है। पर वो निकलेगा कैसे आपके अंदर से?
अवचन पे चलते रहेंगे। हाँ, क्या करेंगे वचन पे? दिल करेगा तब भी, नहीं करेगा, दुखी होके तब भी, सुखी होके, आप चलते रहेंगे, आप चलते रहेंगे। आप में से वो दबोरा, वो मरियम निकलेगी जिसके लिए प्रभु ने पैदा किया आपको। आप वो नहीं हो जो यहां बैठी हो, आप वो नहीं हो, आप वो नहीं हो। आप एक पत्थर की तरह आए हो जो एक्चुअल में हीरा है। अगर उसे तराशा नहीं जाएगा वो तमाम उम्र पत्थर रहेगा। जितना मैंने हाथ में साइज किया, अगर इतना पत्थर हो तो कोई किसी काम का नहीं, लेकिन अगर इतना हीरा हो तो 2000 करोड़ से भी ज्यादा उसकी वैल्यू होगी, इतना सिर्फ। आप इमेजिन करो आपकी वैल्यू हीरों से भी ज्यादा है। पर जब दिमाग का प्रयोग करेंगे कि अब कौन सा थैंक्स रह गया, अब तो बीमारी हो गई, अब कौन सा थैंक्स करेंगे, अब तो हमारे घर में ये घटना हो गई, अब कैसे थैंक्स करेंगे हम, मेरे साथ तो ये हो गया, मेरा तो वीज़ा नहीं लगा, मेरा तो सब कुछ ख़त्म हो गया, मेरी तो मंगनी टूट गई। यहाँ लोग प्रेयर लाइन में खड़े होते, मेरी मंगनी टूट गई, रो रहे होते। मैंने कहा गुड गया ताकि बेटर आ सके। अगर तुम्हें तुम्हारी वैल्यू मालूम हो, अगर तुम कभी रोओगे नहीं, कभी भी रोओगे नहीं तुम, अगर तुम्हें तुम्हारी वैल्यू मालूम हो, अगर तुम्हें कोई छोड़ के गया उसको अपना नुकसान नजर आएगा और होगा, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तुम एक ऐसा हीरा हो जिसे अगर एक अमीर त्याग देगा तो दूसरा अमीर। जितना मैंने हाथ में साइज किया, अगर इतना पत्थर हो तो कोई किसी काम का नहीं, लेकिन अगर इतना हीरा हो तो 2000 करोड़ से भी ज्यादा उसकी वैल्यू होगी, इतना सिर्फ। आप इमेजिन करो आपकी वैल्यू हीरों से भी ज्यादा है। पर जब दिमाग का प्रयोग करेंगे कि अब कौन सा थैंक्स रह गया, अब तो बीमारी हो गई, अब कौन सा थैंक्स करेंगे, अब तो हमारे घर में ये घटना हो गई, अब कैसे थैंक्स करेंगे हम, मेरे साथ तो ये हो गया, मेरा तो वीज़ा नहीं लगा, मेरा तो सब कुछ ख़त्म हो गया, मेरी तो मंगनी टूट गई। यहाँ लोग प्रेयर लाइन में खड़े होते, मेरी मंगनी टूट गई, रो रहे होते। मैंने कहा गुड गया ताकि बेटर आ सके। अगर तुम्हें तुम्हारी वैल्यू मालूम हो, अगर तुम कभी रोओगे नहीं, कभी भी रोओगे नहीं तुम, अगर तुम्हें तुम्हारी वैल्यू मालूम हो, अगर तुम्हें कोई छोड़ के गया उसको अपना नुकसान नजर आएगा और होगा, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तुम एक ऐसा हीरा हो जिसे अगर एक अमीर त्याग देगा तो दूसरा अमीर।